नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को नंबर वन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम, जिसको यदि बोले हिंदी में तो संतुलन बोलते हैं। इक्विलिब्रियम होता क्या, संतुलन होता क्या, ये सब चीज़ को हम लोग क्या करें आज देखने जा रहे हैं। सबसे पहले संतुलन होता क्या, अब यदि बात करें संतुलन का, संतुलन क्या होता, संतुलन को यदि हम लोग बोले यदि सरल भाषा में तो क्या स्थिरता। अरे कोई चीज़ मान लीजिए, कोई बॉल को हम लोग मान लीजिए जंप करवा रहे हैं, यदि हम बोलेंगे कि बॉल संतुलन में नहीं, बॉल मूविंग मतलब बॉल दूसरा संतुलन अवस्था में नहीं है। संतुलन अवस्था में करने के लिए क्या करना होगा, हमको बॉल को रोकना होगा। समझ में आ रहा है ना, बॉल को रोकना होगा, रोकेंगे बॉल क्या होगा, हमारा संतुलन कंडीशन में हो जाएगा। तो ये संतुलन होता कैसे है और क्या होता है, ये सारे बातों का आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम होता क्या, चलिए डिफिनेशन देखते हैं। एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस विच कीप्स द बॉडी विच कीप्स द बॉडी एट रेस्ट कंडीशन और एट रेस्ट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इट इज द एनी फोर्स ऑफ सिस्टम और एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस विच कीप्स द बॉडी एट रेस्ट। बॉडी को क्या करता हमारा, रेस्ट कंडीशन में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। समझ में आ गया। यदि दूसरा यदि एक और सिंपल यदि हम लोग देखा जाए डिफिनीशन, एक और सिंपल डिफिनेशन आपके लिए देने जा रहे हैं। द कंडीशन ऑफ द बॉडी, द कंडीशन ऑफ ए बॉडी, द कंडीशन ऑफ ए बॉडी अनअफेक्टेड बाय नंबर्स ऑफ फोर्स सिस्टम, नंबर ऑफ फोर्स सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम। ध्यान दीजिए, आपके सामने हम दो डिफिनेशन रखे हैं। एक डिफिनेशन क्या है, बहुत ही सिंपल है, क्या है, any system of forces which keeps the body at rest is known as equilibrium। मान लीजिए एक फोर्स का समूह जो हमारा बॉडी जो हमारा हो गया उसको अस्थिर अवस्था में रखता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब वो संतुलन अवस्था में है। समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन यदि उसी को हम लोग दूसरा तरीका से यदि डिफिनेशन को देखेंगे इजी वे में और इजी वे में तो क्या बोलेंगे, द कंडीशन ऑफ ए बॉडी अनअफेक्टेड बाई नंबर ऑफ फोर्स ऑफ सिस्टम। मतलब जो हमारा बॉडी का जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में पहले से था स्थिर अवस्था में, वो यदि हमारा चेंज नहीं होता, अनअफेक्टेड रहता, अनअफेक्टेड मतलब उस पर कोई भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, जब उसमें हम लोग बहुत सारा फोर्स डालते हैं उसका प्रभाव यदि उसमें नहीं पड़ता है, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है। इक्विलिब्रियम टोटली आपका किस पर डिपेंड, इक्विलिब्रियम मतलब आपका संतुलन होता है, और कैसे हम किसी चीज़ को संतुलन करते हैं उसी चीज़ को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और आगे भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम मान लीजिए संतुलन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। हमारा बहुत सारा सिस्टम ऑफ फोर्सेस है ना, कोप्लेनार फोर्स, नॉन कंकरेंट फोर्स, कंकरेंट फोर्स, पैरेलल फोर्स, बहुत सारा फोर्स है ना, उसको कैसे हम लोग संतुलित करेंगे। मान लीजिए कहीं पे वो फोर्स हमारा लग रहा है, पर्टिकुलर फोर्स लग रहा है, उसको कैसे संतुलित करेंगे, उसको कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाएंगे, इसका भी क्या है, एक कंडीशन है। समझ में आ गया ना, ये सब बातों को हम लोग देखने जा रहे हैं। ये डिफिनेशन हमको विश्वास है आप लोगों को समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। Thank you.
अब हम लोग देखने जा रहे हैं, देखिए क्या देखने जा रहे हैं, जनरल कंडीशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अंडर एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। अब हम लोग पहला कंडीशन देखने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम का। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहला कंडीशन देखने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम का पहला कंडीशन क्या होगा, कोप्लेनर फोर्सेस के लिए मेरा कंडीशन क्या होगा, समझ में आ रहा? अभी तक हम लोग इक्विलिब्रियम देखें, इक्विलिब्रियम क्या देखें, कोई भी चीज़ को यदि हम लोग संतुलित करते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, समझ में आ गया। अब देखने जा रहे हैं कि हमारा बहुत सारा फोर्स ऑफ सिस्टम है, अभी हम लोग चर्चा मेनली करेंगे किसके लिए, कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है, जो फोर्स हमारा एक ही प्लेन में एक्ट करता है, बहुत सारा जो फोर्स रहेगा वो एक ही प्लेन में एक्ट करेगा, उसको हम लोग कोप्लेनर फोर्स बोलते हैं, पहले भी आप लोग पढ़े हुए। अब इसका कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, मान लीजिए कोप्लेनर फोर्स कैसे इक्विलिब्रियम होगा, क्या कंडीशन में वो रहेगा, तब हम लोग जानेंगे कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में संतुलित अवस्था में कैसे जानेंगे। तो पहला कंडीशन क्या है, इनमें से कोई भी हो सकता है। पहला क्या है, द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। यदि मेरा कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम है और यदि उसको इक्विलिब्रियम हम यदि कंडीशन में हम लोग को जानना है कैसे कंडीशन होगा अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम, कैसे हमारा होगा जनरल कंडीशन, क्या कंडीशन होना चाहिए, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। हमारा जब कोप्लेनर सिस्टम का जब हम लोग करेंगे तो क्या है, बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, बॉडी हमेशा हमारा क्या होगा, रेस्ट कंडीशन में होगा, पहला कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा, द बॉडी मूव्स इन वन डायरेक्शन, दूसरा क्या है, बॉडी हो सकता है मूव करेगा एक डायरेक्शन में, मेरा बात समझ रहा। पहला क्या है, द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, या तो वो रेस्ट कंडीशन में होगा पहला, या दूसरा क्या, द बॉडी मूव्स इन वन डायरेक्शन, हो सकता है कि बॉडी एक डायरेक्शन में क्या है हमारा मूव करता रहेगा, दो चीज हो गया। तीसरा, द बॉडी रोटेट्स About इट एक्सिस। तीसरा क्या कंडीशन है हमारा, कि बॉडी रोटेट्स अबाउट इट एक्सिस, हो सकता है बॉडी जो हमारा हो गया पर्टिकुलर रिजिड बॉडी हो गया हमारा, वो हो सकता है रोटेट करेगा, उसका जो एक्सिस हो गया उस पर रोटेट करते रहेगा, फिर भी हम लोग जानेंगे वो क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। मेरा बात समझ में आ रहा है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम लोग क्या समझ लेंगे, हमारा बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी जो कोप्लेनर फोर्स एक्ट हो रहा वो क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। मेरा बात समझ में आ रहा है, सबसे पहला क्या था हमारा, द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, बॉडी यदि हमारा रेस्ट कंडीशन पे है, बहुत सारा यदि हमारा कोप्लेनर फोर्स एक्ट कर रहा तो हम लोग समझेंगे कि वो क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। दूसरा चीज क्या है, दूसरा क्या है, द बॉडी मूव्स इन वन डायरेक्शन, यदि बॉडी मेरा एक डायरेक्शन में भी यदि हम लोग हमारा मूव कर रहा है तब भी हम लोग क्या जानेंगे, यदि कोप्लेनर फोर्स एक्ट कर रहा बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा सेम प्लेन पे, तो क्या जानेंगे, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तीसरा क्या है, द बॉडी रोटेट्स अबाउट इट एक्सिस, जो मेरा बॉडी हो गया यदि रोटेट भी कर रहा है अबाउट इट एक्सिस, फिर भी हम लोग क्या जानेंगे, ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। और चौथा जो कंडीशन है मेरा, द बॉडी मूव्स इन वन डायरेक्शन एंड रोटेट्स
अबाउट इट एक्सिस। और जो मेरा चौथा कंडीशन है, क्या कंडीशन है, चौथा कंडीशन क्या है, बॉडी मूव्स इन वन डायरेक्शन, बॉडी हो सकता है मूव करेगा एक डायरेक्शन में और रोटेट भी करेगा, क्या करेगा अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा, फिर भी हम लोग क्या जानेंगे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। मेरा बात समझ में आ रहा, ये चार टाइप का जो आपका कंडीशन, देखिए फिर से ध्यान दीजिए, इक्विलिब्रियम आपको हम बता दें, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन, संतुलन जो हम लोग बनाते हैं उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या है, एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस विच कीप्स द बॉडी एट रेस्ट, मतलब कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स है वो यदि हमारा बॉडी को स्थिर अवस्था में रखता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और क्या हम लोग सेकेंड चीज क्या देखने जा रहे हैं, अभी एक एक करके सब फोर्सेस के बारे में देख रहे हैं, मेरे पास बहुत फोर्स सिस्टम है ना, कोप्लेनर फोर्स, कॉन्करेंट फोर्स, नॉन कॉन्करेंट फोर्स, पैरेलल फोर्स, ये सारा चीज़ों को हम लोग देखने जा रहे हैं। उसका कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग क्या देखें, जनरल कंडीशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अंडर एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम, जनरल कंडीशन क्या होना चाहिए रिजिड बॉडी का अंडर एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्स, यदि कोप्लेनर फोर्स मेरा एक्ट कर रहा है उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, तब हम लोग जानेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में। तो हम लोग क्या क्या किए, सबसे पहला क्या कंडीशन होना चाहिए, द बॉडी रिमेंस एट रेस्ट, बॉडी क्या होना चाहिए, रेस्ट अवस्था में पाया जाना चाहिए। दूसरा, द बॉडी मूव्स इन वन डायरेक्शन, बॉडी क्या होना चाहिए, हो सकता है एक डायरेक्शन में मूव होना चाहिए फिर भी हम लोग समझेंगे वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तीसरा, द बॉडी रोटेट्स अबाउट इट एक्सिस, हमारा यदि बॉडी अपने एक्सिस के द्वारा रोटेट हो रहा है उसको भी हम लोग जानेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में। चौथा, द बॉडी मूव्स इन वन डायरेक्शन एंड रोटेट्स अबाउट इट एक्सिस, यदि बॉडी मेरा एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है और अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है फिर भी हम लोग जानेंगे क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। मेरी बात आपको समझ में आ गया, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग अगला देखेंगे। हम लोग अभी कोप्लेनर फोर्स देखे, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्करेंट फोर्स देखेंगे। सो नोट डाउन कीजिए आप लोग, ठीक है मिटाते हैं। इतना ही मिटाते हैं क्योंकि आगे वाला भी सेम चीज ही होगा। अभी हम लोग देख रहे थे कोप्लेनर केवल फोर्स के बारे में, अब देखेंगे कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस के, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। समझ में आ गया, अभी हम लोग जनरल कंडीशन देखे थे केवल कोप्लेनर फोर्सेस का, अभी हम लोग जनरल कंडीशन किसके बारे में देखने जा रहे हैं, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का। कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का हम लोग कैसे जानेंगे, उसको कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाएंगे और कैसे जानेंगे, तो पहला कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन होगा द सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स सिस्टम शुड बी जीरो, मेरा बात समझ आ रहा है, यदि हमको कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स ऑफ सिस्टम को यदि हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाना है और हम यदि हमको दर्शाना कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो सबसे पहले हमको क्या जानना होगा, क्या हमारा मतलब कंडीशन क्या, द सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स सिस्टम शुड बी जीरो, मेरा जितना भी हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ सिस्टम है, कंपोनेंट ऑफ सिस्टम है, जो आपको हम यूनिट वन में हम पढ़ाए हुए थे आपको, हम अभी वही चीज़ यूनिट टू में काम आ रहा है, जो वर्टिकल मान लीजिए कोई भी एंगल पे है मेरा, इंक्लाइंड एंगल पे है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे टूटता है और वर्टिकल कंपोनेंट पे टूटता है। तो यहाँ क्या है, जितना भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फोर्स ऑफ सिस्टम है उसको जब हम लोग ऐड करेंगे, ये हमारा किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, तब ये क्या जानेंगे हम, ये मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन है। मतलब समेशन ऑफ
एफ एक्स, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, मतलब देखिए एक्स एक्स एक्सिस को हम लोग हॉरिजॉन्टल लेते हैं ना, इसीलिए समेशन ऑफ, समेशन मतलब पूरा सम, पूरा जोर कितना फोर्स का जो कि एक्स डायरेक्शन में है, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है। किसका पहला कंडीशन है? कोप्लैनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन क्या है? द सम ऑफ ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ फोर्स सिस्टम शुड बी जीरो। मेरा बात समझ में आ रहा? सबसे पहले मेरा क्या कंडीशन था कि जो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स सिस्टम है वो जीरो होना चाहिए। अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स सिस्टम है वो मेरा जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या? समेशन ऑफ एफ वाई क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, जो आपको हम बताए भी है यूनिट वन में पढ़ाए थे ना। ये क्या है? कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, जनरल कंडीशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अंडर एक्शन ऑफ कोप्लैनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। यदि मेरा कोप्लैनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम रहेगा तो ये दोनों चीज सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या सेटिस्फाई होना चाहिए और क्या होना चाहिए? द सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स सिस्टम शुड बी जीरो, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला पूरा जीरो होना चाहिए, और द सम ऑफ ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम शुड बी जीरो, और जो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट का जो फोर्स सिस्टम है वो भी जीरो होना चाहिए। मेरा बात आपको समझ में आ रहा? इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? इससे पहले हम लोग केवल कोप्लैनर फोर्स को देखे थे। कोप्लैनर फोर्स में क्या हम लोग देखे थे? मेरा जो बॉडी होगा वो रेस्ट अवस्था में पाया जाना चाहिए। दूसरा क्या है? बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव होना चाहिए। तीसरा क्या है? बॉडी अपने एक्सिस पर रोटेट होना चाहिए। और चौथा क्या देखे थे? बॉडी एक डायरेक्शन में मूव होना चाहिए और अपने एक्सिस पर रोटेट भी होना चाहिए। हम लोग चार कंडीशन देखे थे कोप्लैनर फोर्स के बारे में। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कोप्लैनर कॉन्करेंट फोर्स के बारे में, कोप्लैनर कॉन्करेंट फोर्स होता क्या? एक ही प्लेन पे सब आपस में एक जगह मिलता हो उसको कोप्लैनर कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं। तो कोप्लैनर कॉन्करेंट फोर्स का यदि हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन यदि हम लोग उसका देखेंगे जनरल कंडीशन, तो दो चीज होना चाहिए। क्या है? द सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ सिस्टम, जो भी मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ सिस्टम है वो हमारे जीरो के बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ हम लिखे हुए हैं। और दूसरा क्या है? द सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स ऑफ सिस्टम, जो मेरा वर्टिकल फोर्स ऑफ सिस्टम है वो भी हमारा जीरो के बराबर होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग दूसरा देखने जा रहे हैं। किसका देखने जा रहे हैं? जनरल कंडीशन ऑफ रिजिड बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लैनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के बारे में देखने जा रहे हैं। अभी कोप्लैनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के बारे में देखे थे, अब हम लोग देखेंगे कोप्लैनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के बारे में। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, मिटाएंगे, नोट डाउन कीजिए। Non-concurrent force system. चलिए हम लोग क्या देखने जा रहे हैं अभी? हम जनरल कंडीशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अंडर एक्शन ऑफ कोप्लैनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब हम लोग नॉन कॉन्करेंट फोर्स ऑफ सिस्टम को देखने जा रहे हैं। देखिए, जो मेरा नॉन कॉन्करेंट फोर्स ऑफ सिस्टम क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये भी कोप्लैनर ही फोर्स रहेगा। कोप्लैनर मतलब सारा फोर्स मेरा एक ही प्लेन पे होगा। सारा फोर्स मेरा कहाँ होगा? एक ही प्लेन पर होगा, लेकिन नॉन कॉन्करेंट होगा, मतलब आपस में सब एक जगह नहीं मिलेगा। मेरा बात आपको समझ में आ रहा? आपस में सब फोर्स एक जगह नहीं मिलेगा। कॉन्करेंट फोर्स में क्या देखे थे हम लोग? कोप्लैनर कॉन्करेंट फोर्स में ये सब एक जगह कोप्लैनर में था, कोप्लेन में था, एक ही प्लेन में था, और सब आपस में एक जगह मिलता था सब फोर्स। लेकिन इसमें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि सब फोर्स एक ही प्लेन में तो होगा लेकिन आपस में नहीं मिलेगा।
उसके लिए क्या कंडीशन है हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होना चाहिए। तो देखिए इसमें भी पहला दूसरा पॉइंट हमको किससे मिलेगा, पहला दूसरा पॉइंट हमको कॉन्करेंट फोर्स सब सिस्टम से मिलेगा। क्या पहला पॉइंट, द सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स सिस्टम शुड बी जीरो। इसका मतलब क्या आपको बताए थे, समेशन ऑफ एफेक्ट्स मेरा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसमें भी पहला कंडीशन वही है, मेरा बात समझ में आ रहा, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स ऑफ सिस्टम में भी पहला पॉइंट वही है। क्या है, द सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स सिस्टम शुड बी जीरो। इसमें भी क्या होना चाहिए, मेरा जितना भी हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ सिस्टम है यदि उसको एक जगह ऐड करते हैं तो जीरो के बराबर होना चाहिए। ये इसमें भी एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन इसमें भी वही है जो हमारा कॉन्करेंट में था, द सम ऑफ ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स सिस्टम शुड बी जीरो। मतलब हॉरिजॉन्टल भी जीरो होना चाहिए और वर्टिकल भी जीरो होना चाहिए, एफ वाई भी जीरो होना चाहिए, समेशन ऑफ ऑल द एफ वाई फोर्सेस। मेरा बात समझ में आ रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल तो जीरो होना ही चाहिए, वर्टिकल भी जीरो होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट आपको याद कीजिए, ये दोनों पॉइंट आपको किसमें मिलेगा, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स ऑफ सिस्टम में। ये दोनों पॉइंट क्या करता है, आपस में मिलता है, इसका दो पॉइंट और कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स ऑफ सिस्टम का दो पॉइंट आपस में क्या होता है, आपस में मिलता है। समझ में आ गया, दोनों का आपस में दोनों पॉइंट मिलता है। लेकिन इसमें एक नया पॉइंट हम लोग देखने को मिलेगा, क्या नया पॉइंट इसमें क्या देखने को मिलेगा, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स ऑफ सिस्टम में इसमें क्या होना चाहिए, मूवमेंट भी इसका जब सम करेंगे, मूवमेंट भी यदि हम सारा फोर्स का मूवमेंट को भी एक जगह निकालेंगे और उसको सम करेंगे जोड़ेंगे, वो भी जीरो के बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया, इसमें बस एक ही चीज एक्स्ट्रा, एक ही कंडीशन एक्स्ट्रा। क्या कंडीशन एक्स्ट्रा, द सम ऑफ ऑल द मूवमेंट ऑफ फोर्स सिस्टम एट अ पॉइंट शुड बी जीरो। इसका मतलब समेशन ऑफ जो m होता है हमेशा जीरो के बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया ना, मेरे बात ध्यान से सुनिए। तीसरा पॉइंट ही इसमें नया है और तीसरा पॉइंट फिर से एक बार समझा रहे हैं आपको हम, द सम ऑफ ऑल द मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ सिस्टम एट अ पॉइंट शुड बी जीरो। मतलब जितना भी मेरा फोर्स ऑफ सिस्टम है, जितना भी मेरा फोर्स है उसका जब हम लोग मूवमेंट निकालेंगे, जितना मेरा फोर्स होगा उसका जब भी हम लोग मूवमेंट निकालेंगे वो मूवमेंट हमेशा मेरा जीरो के बराबर होना चाहिए। मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यदि सारा फोर्स का जितना भी फोर्स मेरा, मान लीजिए पर्टिकुलर ये बीम हो गया, इस पर जितना भी फोर्स मेरा एक्ट कर रहा है, यहाँ 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 जितना भी फोर्स एक्ट कर रहा है, मान लीजिए जहाँ भी एक्ट कर रहा है, नीचे से ऊपर से आगे से पीछे से जहाँ से भी एक्ट कर रहा है, क्योंकि देखिए कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स है, एक ही प्लेन पर रहेगा लेकिन आपस में मिलेगा नहीं, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, मेरा मूवमेंट यदि सबका मूवमेंट निकालते हैं, मूवमेंट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि सबका निकालते हैं और आपस में यदि सबको जोड़ देते हैं, सम कर देते हैं, इसका मतलब समेशन, समेशन मतलब सम होता है, मतलब जोड़, यदि सबको आपस में जोड़ देते हैं तो मेरा किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो। ये किसका कंडीशन था, ये था कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स ऑफ सिस्टम का, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जब भी सॉल्व करते हैं उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज, क्या देखने जा रहे हैं, जनरल कंडीशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अंडर एक्शन ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स सिस्टम जब रहेगा उस कंडीशन में क्या होगा,
क्या होना चाहिए वो हम लोग देखने जा रहे हैं। समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी हम लोग बीम का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और जब भी लोड्स का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, लोड्स का प्रॉब्लम क्या क्या है, पॉइंट लोड, UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और UVL यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, ये सब का जब भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे तो पैरेलल फोर्स ऑफ सिस्टम का जो हमारा चीज है उसको हमेशा हम लोग ध्यान में रखें। तो ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, इसको मिटाएंगे, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जनरल कंडीशन ऑफ रिजिड बॉडी अंडर एक्शन ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम, अब हम लोग देखने जा रहे हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम के बारे में। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा जनरल कंडीशन किसका, कोप्लेनार फोर्सेस का देखा, फिर हमने देखा दूसरा कोप्लेनार कॉन्करेंट फोर्स का देखा, फिर हमने तीसरा देखा कोप्लेनार नॉन कॉन्करेंट फोर्स का देखा, और चौथा भी हम लोग देखने जा रहे हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम का। देखिए ये जो पैरेलल फोर्स सिस्टम है ये आपस में मिलेगा, किससे मिलेगा, कोप्लेनार जो मेरा हो गया और नॉन कॉन्करेंट फोर्स हो गया, उससे आपस में मिलेगा। समझ में आ गया ना, इसका जो तीनों पॉइंट है वो उसके जैसा ही मिलेगा। पहला पॉइंट क्या होगा, द सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स सिस्टम शुड बी जीरो। इसका भी देखिए तीनों एक ही होगा, तीनों जो इसका होगा कंडीशन उसी के जैसा होगा, मतलब समीशन ऑफ एफएक्स इक्वल टू जीरो। दूसरा पॉइंट क्या होगा, द सम ऑफ ऑल द वर्टिकल components of force system should be zero। मतलब जो vertical होता है, vertical भी मेरा क्या होना चाहिए, fy, वो भी zero के बराबर होना चाहिए, और इसमें भी वही चीज moment भी हमारा क्या होना चाहिए, zero के बराबर होना चाहिए। The sum of all the movement about a point should be zero, इसमें भी हमारा जीरो होना चाहिए। मतलब समेशन ऑफ मूवमेंट हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये वाला जो चीज हमारा हो गया, ये पैरेलल कंडीशन वाला जो हो गया पैरेलल फोर्स के लिए, ये हमारा बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बीम का, आपको हम बार बार बता रहे हैं, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बीम का और UDL जब रहेगा मेरा, UVL जब रहेगा मेरा, उस कंडीशन में इसका बहुत ही इस्तेमाल है। क्या है ये हमारा, जनरल कंडीशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अंडर एक्शन ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम। जब मेरा पैरेलल फोर्स ऑफ सिस्टम रहेगा उस कंडीशन में मेरा क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या क्या चीज होना चाहिए, तो क्या क्या होना चाहिए, हमारा जितना भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फोर्स है वो क्या, जीरो के बराबर होना चाहिए, समेशन ऑफ एफएक्स जीरो के बराबर होना चाहिए। दूसरा, द सम ऑफ ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स शुड बी जीरो, मतलब वर्टिकल भी मेरा जितना फोर्स ऑफ सिस्टम है वो भी जीरो होकर बराबर होना चाहिए, और जितना मेरा मूवमेंट हो गया उसको यदि आपस में जोड़ते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं, तो भी मेरा क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम को हिंदी में हम क्या बताएं, संतुलन, संतुलन होता है क्या, क्या बताए थे, यदि किसी भी बॉडी पे, रिजिड बॉडी पे, रिजिड बॉडी क्या होता है, यदि कोई आपसे पूछ दे कि रिजिड बॉडी क्या होता है, वैसा बॉडी जो यदि हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो डिफॉर्म ना हो, डिफॉर्म मतलब मान लीजिए एक शेप में है, मान लीजिए वो गोल आकार में, उस पर यदि हम लोग फोर्स डालते तो लंबा आकार ना होना चाहिए। मतलब द बॉडी विच डू नॉट डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स उसको हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं। समझ में आ गया, तो क्या होना चाहिए, रिजिड बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में करने के लिए क्या है, मान लीजिए उस पर नंबर ऑफ फोर्स ऑफ सिस्टम यदि एक्ट कर रहा है
और मेरा जो बॉडी होता है स्थिर अवस्था में ही रखता है उसको, फोर्स ऑफ सिस्टम, उसको हम लोग संतुलन सिस्टम बोलते हैं, संतुलन फोर्स सिस्टम या फिर इक्विलिब्रियम फोर्स सिस्टम बोलते हैं। या फिर दूसरा क्या आपको हम एग्जांपल और दूसरा आपको हम डिफिनेशन कैसे दिए थे, यदि हमारा कोई रिजिड बॉडी है वो अफेक्टेड नहीं होगा फोर्स ऑफ सिस्टम के द्वारा, मतलब कितना भी उस पर फोर्स ऑफ सिस्टम उस पर लगा रहे हैं लेकिन वो अफेक्टेड नहीं होगा, जो अवस्था में था वो उसी अवस्था में रहेगा, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोगों ने बहुत सारा, मेरे पास सिस्टम फोर्सेस है ना, उसका हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन देखा। सबसे पहले किसका इक्विलिब्रियम कंडीशन देखे थे हम लोगों ने, कोप्लेनर फोर्स का। कोप्लेनर फोर्स में इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग कैसे देखे थे, हमारा बॉडी क्या होना चाहिए, सबसे पहले रेस्ट अवस्था में होना चाहिए, कोई एक मतलब जो चार पॉइंट बताए इसमें से कोई एक चीज फॉलो करना चाहिए, बॉडी हमारा क्या होना चाहिए, रेस्ट अवस्था में होना चाहिए, या फिर बॉडी हमारा एक डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, दूसरा पॉइंट बताए थे। तीसरा पॉइंट क्या बताए थे, बॉडी हमारा अपने ही एक्सिस पर रोटेट होना चाहिए, तीसरा पॉइंट बताए थे। और चौथा पॉइंट क्या बताए थे आपको हम, बॉडी एक डायरेक्शन में भी मूव होना चाहिए और अपने एक्सिस पर भी रोटेट करना चाहिए, चारों में से कोई भी एक लक्षण हमको दिखेगा तो हम लोग क्या समझ जाएंगे, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है किसका, कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम का। दूसरा हम लोग ने क्या देखा था, कोप्लेनर कॉन्करेंट, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स ऑफ सिस्टम, मतलब जो कोप्लेनर भी हो एक ही प्लेन पे है और आपस में मिलता भी है, उस कंडीशन में क्या देखते हैं, सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स शुड बी जीरो, जितना भी मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो जीरो के बराबर होना चाहिए, और सम ऑफ ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स शुड बी जीरो, समेशन ऑफ एफ एक्स भी जीरो होना चाहिए और समेशन ऑफ एफ वाई भी जीरो होना चाहिए। तीसरा चीज हम लोगों ने क्या देखा था, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ए कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स, कोप्लेनर भी होना चाहिए, एक प्लेन पे भी होना चाहिए और नॉन कॉन्करेंट होना चाहिए, आपस में नहीं मिलना चाहिए, उस कंडीशन में क्या देखा था कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो भी जीरो होना चाहिए, जो सबको जोड़ेंगे फोर्स को, तो वर्टिकल कंपोनेंट को भी सब फोर्स को जोड़ेंगे वो भी जीरो होना चाहिए, और जो मेरा मूवमेंट है, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यदि हर फोर्स का मूवमेंट निकालते हैं और आपस में जब जोड़ते हैं वो भी मेरा जीरो के बराबर होना चाहिए। और जो लास्ट हम लोग ने देखा, क्या देखे थे हम लोग लास्ट हम लोग देखा जनरल कंडीशन ऑफ रिजिड बॉडी अंडर एक्शन ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स ऑफ सिस्टम में क्या होना चाहिए, तो ये जो मेरा पैरेलल फोर्स ऑफ सिस्टम है दोनों मिलेगा, किसे मिलेगा, नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स ऑफ सिस्टम, इसमें भी क्या हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जब फोर्स को ऐड करेंगे जीरो होगा, इसमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स को ऐड करेंगे जीरो होगा, और इसमें भी मेरा जब मूवमेंट को हम लोग ऐड करेंगे सब फोर्स का सिंगल सिंगल मूवमेंट जब निकालेंगे सबको ऐड करें वो भी हमारा जीरो के बराबर होगा। तो ये क्या था आज के क्लास में, ये क्या था हमारा इक्विलिब्रियम था, और जनरल कंडीशन क्या होता है इक्विलिब्रियम के पर्टिकुलर फोर्स ऑफ सिस्टम के लिए वो हम लोग ने देखा। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और लाइक देके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। धन्यवाद।